Guys, welcome back to my channel. So, as the title suggests, आज का वीडियो होने वाला है on this huge Amazon haul. अब इन दोनों ही boxes में है बहुत सारी चीजें, from skin care to काफी सारा makeup and of course hair care भी. अब देखो, हमने कोई भी category drop नहीं करी है. In fact, इन सारे products का use करके I've created this makeup look, which is perfect for spring and summer season. Right, इन products को भी checkout करने का perfect time है because mega fashion weekend sale is going on Amazon, जहाँ पे इन सारे ही products पे आपको great discounts मिलने वाले हैं. सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. देखो, मेकअप करने के बाद में तो कौन ही मूड होता है, ठीक है? तो ऑर्डर में चलते हैं. आई हैव पिक्ड अप अ बंच ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्किन केयर कैटेगरी काफी अच्छे डिस्काउंट्स पे. सो आई हैव दिस डॉट एंड की का वाटरमेलन सुपर ग्लो फेशियल जेल क्लेंजर. नाउ जेल क्लेंजर है, विच मीन्स ऑयल को कंट्रोल करके भी रखता है एंड इट इज सूटेबल फॉर स्पेशली यू नो ह्यूमिड वेदर. ऑल्सो इसकी भीनी भीनी खुशबू इतना रिफ्रेश कर देती है ना, तो जो भी दिमाग में सड़ा सा स्ट्रेस होगा ना, वो सब निकल जाएगा. आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर फेस वॉश एंड यू कैन सी कितना ग्लोई और कितना ड्यूई फिनिश आ जाते हैं मेरे फेस पे. एक और जो बहुत ही बढ़िया फेस वॉश लगता है मुझे, वो है ये बॉडी शॉप का टी ट्री स्किन क्लियरिंग फेस वॉश. इसमें गुडनेस है टी ट्री की, जो कि ऑयल को कंट्रोल करके रखेगा, मोस्ट ऑफ स्किन टाइप को सूट भी करता है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए तो ब्लेसिंग है. टोनर के लिए बहुत बढ़िया सा ऑप्शन है, क्योंकि सेल चल रही थी तो बहुत सही डिस्काउंट मिला था मुझे. सबसे पहले मेरे पास है ये फेशियल टॉनिक मिस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल और ये है प्योर रोज वाटर. इसको स्प्रे करने का तो मतलब आनंद ही आ जाता है अलग. और जो नेक्स्ट चीज मैंने ली है, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि ये न्यू लॉन्च है एंड इट्स द डॉटन की सीका कामिंग स्किन क्लेरिफाइंग टोनर. बहुत अच्छे से काम करता है स्किन को, इट्स सो रिफ्रेशिंग एंड लुक एट द बॉटल. मतलब किसका मन नहीं करेगा इसको लेने का. आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि दिस इज समथिंग जिसने आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेटर काम किया है एंड दिस इज द बॉडी शॉप टी ट्री एंटी इम्परफेक्शन डेली सोल्यूशन. आई वॉज लाइक वॉट बेटर टाइम देन दिस, क्योंकि अच्छी खासी सेल भी है, ऑफर पर मिल रहा था और ट्राई करने में क्या बुरा जाता है, शायद ये मेरे लिए भी काम कर जाए. सो मैं बस इसकी दो तीन ड्रॉप्स लेके अपने फेस को इस तरीके से पैट करती हूँ. थोड़ा टाइमिंग हुआ है इसको यूज करते हुए, लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस. अभी तक ऐसा कुछ मेजर मैंने नहीं देखा है, बट स्टिल मुझे एक्सपेक्टेशन है इस चीज से. ट्रस्ट मी, जब सेल पे डिस्काउंट्स बढ़िया हो ना, तो प्रोडक्ट मैं ऐसे भी मंगा देती हूँ जो खत्म होने वाले होते हैं या खत्म हो गए होते हैं. मेनली मैंने स्टॉकअप किया है और वो है ये न्यूट्रीजना हाइड्रा बूस्ट वाटर जेल. इसका कंसिस्टेंसी, फॉर्मुलेशन, फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग इज सो गुड. मुझे इसको यूज करना बेहद पसंद है. मेरे स्किन केयर वीडियोस में आपने देख लिया होगा, मैं इसको खींच खींच के मतलब निकाल निकाल के इसको यूज कर रही थी, उसमें बचा ही नहीं था. सेम कैटेगरी में मैंने एक और जो चीज ली है वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट हाइड्रा प्रो ओवरनाइट जेल. सो मैं इसको डे टाइम नाइट टाइम दोनों में यूज करती हूँ. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नाइट टाइम. मेरा ये फर्स्ट टाइम होने वाला है. आई लव द पैकेजिंग. आपको इस बार 200 rupees तक ऑफ मिलने वाला है अपनी फर्स्ट ब्यूटी परचेज पे और लग्जरी प्रोडक्ट्स में तो ये ऑफ अप टू 400 rupees तक का जाएगा. तो सिर्फ हॉल नहीं शेयर कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन भी है जो कि सीक्रेट है. कोई भी सीजन हो, सनस्क्रीन इज अ मस्ट हैव. मैंने यहाँ पे कुछ नया ट्राई किया है एंड दिस इज मिनिमलिस्ट SPF 50 और इसमें है नियासिनमाइड विद विटामिन B5 एंड विटामिन F. कंसिस्टेंसी इज नाइस. द बेस्ट थिंग, व्हाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देता. अमेजिंग. यू गाइज नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ लनेज लिप स्लीपिंग मास्क. ये मैंने लिया है ग्रेप फ्रूट वेरियंट में. मेरे पास ऑलरेडी इनका वाटरमेलन है. सो मैंने अभी इसको नहीं यूज किया है. आई यूज दिस. दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल. दिस इज फ्रॉम लैक्मे लिप लव एंड इट्स इन द वेरियंट वेरी टेंट. ये वाला वेरियंट मैंने पहली बार ट्राई किया है एंड आई वॉज ब्लोन अवे विद द रिजल्ट. ओ माई गॉड, हाइड्रेशन प्लस टेंट, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना. लिप बाम अफोर्डेबल भी है. इस सीजन में ना पता होता है कि यार मेकअप फ्रीज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बेस बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड फॉर प्राइमर मैंने यहाँ पे यूज किया है फिटमी मैट प्लस पोरलेस. दिस इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. इसमें एक और वेरियंट है दैट इज गुड फॉर विंटर सीजन, लेकिन इस सीजन के लिए आई थिंक दिस इज परफेक्ट. बहुत अच्छे से पोर को ब्लर आउट कर देता है और उस पर फाउंडेशन वगैरह इतना बढ़िया सेटल होता है ना कि पता ही नहीं चलता. मतलब केकी फिनिश बिल्कुल नहीं आती. वेरी गुड. फाउंडेशन की शॉपिंग ऑनलाइन करना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है. इट्स जस्ट लाइक पप्पू काइंड डांस वाला. नहीं, लेकिन इस बार पप्पू ने डांस किया है क्योंकि हमने बहुत सही शेड पकड़ा है. अमेज़न पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं अपने शेड्स परफेक्ट. सो यहाँ पे मैंने लिया है एलिगर्ल प्रो कवरेज HD हाई डेफिनेशन फाउंडेशन एंड इसमें जो मैंने शेड लिया है दैट इज फेयर. और ये एक्सट्रीमली फेयर लगता है राइट एट द बिगनिंग, लेकिन बाद में स्किन के साथ में नेचुरल ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाता है, लुक्स परफेक्ट. और मैंने इसी को यूज किया है. कैन यू सी कि मेरे नेक और इसमें फर्क है? ऑल्दो नेक दिख नहीं रहा, बट यहां से तो मैच कर ही सकते हो. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है. आप इसको बिल्ड भी कर सकते हो. अभी मैंने लाइट कवरेज ली है. अमेजिंग. मैंने एक और चीज बैकअप करी है, दैट इज दिस कंसीलर इज माई होली ग्रेल. आई कैन नॉट डू विदाउट दिस. और ये है लॉरियल पैरिस का इनफॉलिबल फुल वेयर कंसीलर. आई एम इन द शेड 312 एम्बर. इट इज सो गुड. इसमें येलो अंडरटोन्स भी है जो कि थोड़ा सा जो ग्रेशनेस होती है ना वो सबको निकाल देता है. एक और जो मैंने नया कंसीलर यहाँ पे ट्राई किया है दैट इज फ्रॉम रेवोल्यूशन और ये है कंसील एंड डिफाइन. और इसमें मेरा शेड है C6. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन एंड लकीली दोनों में परफेक्ट शेड मिला है. ये तो पता ही था मुझे और ये भी मेरी स्किन टोन को बहुत परफेक्टली सूट कर.
करता है। इनिसफ्री का नो सीबम मिनरल पाउडर भी मैंने लिया है और इसका पैकेजिंग मतलब इतना फ्रेश कलर में है, बहुत छोटी सी पैकेजिंग है इसके, अफोर्डेबल भी है। लेकिन मैंने इसको जब सेट किया था ना तो इट इज लाइक व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर जो कि बहुत अच्छे से क्रीजेस में मेकअप को सेट करने से रोक देता है, बहुत अच्छे से लॉक कर देता है मेकअप को, वेरी लाइट एंड वेट और बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा स्किन पे, वेरी गुड। अब क्योंकि मेकअप की तरफ आई गए हैं तो मैंने यहाँ पे आईब्रोज के लिए लिया है ये फेस शॉप की डिजाइनिंग आईब्रो पेंसिल एंड मैंने इसमें लिया है शेड 04 ब्लैक ब्राउन। इसमें आपको दो शेड्स मिल जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ये परफेक्टली सूट करता है, स्पेशली अगर आपके आईब्रो का कलर भी मेरे जैसा है, हल्का सा लाइट है हल्का सा डार्क है, तो भी दिस शेड इज परफेक्ट, यू कैन लिटरली गो फॉर इट। और मैंने आपको बताया था कि लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना आपको अप टू 400 रुपीज तक का ऑफ मिलने वाला है। दूसरी साइड में इसमें स्पूली भी है, सो मतलब ऑन द गो टचअप्स के लिए बढ़िया है, मतलब ट्रैवल भी कर सकते हो ना इजिली। आई वाज सो एक्साइटेड फॉर यू नो टू ट्राई दिस ऑल्सो एंड दिस इज फैब फेस इन दी शेड न्यूड। इसमें आपको लिप्स के लिए मिलता है, चीक्स के लिए मिलता है और आईज के लिए मिलता है। आईज के लिए मैंने हल्का सा यूज भी कर रखा है, लिप्स के लिए अगेन इसमें न्यूड फैमिली का कोई शेड है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है ये वाली लिपस्टिक, तो इसको भी मैंने लिया है इस बार। नाउ इस सीजन के लिए परफेक्ट है कुछ इस तरीके का मेकअप लुक जिसमें थोड़ा सा हिंट और पॉप ऑफ कलर। सो मैंने टू एड दैट पॉप ऑफ कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है ये शुगर का आई लिट यू सो विविड आई लाइनर एंड इट्स इन दी शेड 03 लाइलैक ड्रीम। ये कुछ इस तरीके का आता है। इसको मैंने बैक ऑफ हैंड पे लेके हल्का सा ब्रश की हेल्प से यूज किया था एंड ऑल्सो एट दी आउटर वी जिससे बहुत ज्यादा अच्छा एक कलर एड हुआ है मेरी आईज पे। इसको मैंने हल्का सा और इंटेंसिफाई किया यूजिंग सम पिंक आई शेडो ऑन द सेम ब्रश, दैट्स इट। दिस आई लाइनर इज अ मस्ट हैव फॉर दिस सीजन क्योंकि अगर आपकी ऑयली आईलिड्स भी है, मेकअप सेटल नहीं होता है, दिस इज गोइंग टू स्टे व्हेन आई से दिस आई मीन इट। मैंने इसको हल्का सा सोच किया था और ये मेरे हाथ पे तब तक था जब तक कि मैंने इसको तरीके से साफ नहीं किया। दिस इज स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लैक लिक्विड पेन आईलाइनर। इसकी ग्रिप, इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रिसाइज आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। एप्लीकेटर इसका इतना बढ़िया है, कलर इतना अमेजिंग है, यू कैन सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी दिया है मेरे आईलाइनर पे, जैसे ही बाहर जाता है वैसे यू टर्न मार के थोड़ा सा हाफ फेस मैंने यहाँ पे इसको एंड किया है जस्ट टू गिव दैट ट्विस्ट। ये वाला काजल मेरी मम्मी को यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड दिस इज लॉरियल पेरिस काजल मैजिक सुप्रीम ब्लैक। ये 12 आवर्स स्मच प्रूफ है, वो मम्मी इतना चेकआउट नहीं करती बट अगर ये लिखा हुआ है तो ये होगा ही। डेफिनेटली लॉरियल के ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए हैं, स्पेशली दिस काजल मम्मी का फेवरेट है। आईलाइनर के तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस लगा दी थी ऑफ कैमरा और उसके बाद में है यहाँ पे मनीष मल्होत्रा एक्स माइग्लैम का ये मस्कारा एंड इट्स इन दी शेड डार्क नाइट 01 कुछ इस तरीके का वॉन्ड है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, पैकेजिंग बहुत ज्यादा रिच है एंड ऑल्सो इट डज अ डिसेंट जॉब ऑफ मस्कारा, मतलब जो उसको करना होता है लेंथ एड करना, वॉल्यूम एड करना, नाइस, लव इट फॉर द पैकेजिंग स्पेशली। मैंने यहाँ पे रेने का ये पीची पिंक ब्लश ड्यूओ भी यू नो लिया है क्योंकि ये इनका नया लॉन्च था एंड आई सो वॉन्टेड टू ट्राई कुछ ऐसे कोरल पीचेस जो कलर होते हैं ना वो इंडियन स्किन टोन पे स्टिल जो मीडियम स्किन टोन होती है उसमें बहुत ज्यादा फ्रेश लगते हैं। सो यहाँ पे हैं ये दो कलर्स कुछ इस तरीके के एंड दे आर सो पिगमेंटेड, आपको बिल्कुल लाइट हैंडेड ही इसको यूज करना है एंड यू कैन सी द पिगमेंटेशन, इट लुक्स फैब स्पेशली विद दिस कलरफुल मेकअप लुक जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश भी लग रहा है, आई लव इट। कोई हॉल कंप्लीट नहीं होता बिना लिप प्रोडक्ट्स की बात करें। सो यहाँ पे है कलर बार का मैट मी एज आई एम और ये इनकी जो रेंज है इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इसमें शेड रेंज इतनी ज्यादा बढ़िया है एंड स्पेशली फॉर्मुलेशन बिल्कुल भी एफर्टलेस, बिल्कुल क्रीमी फिनिश और जो बहुत टाइम तक टिकती भी है, इट इज गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्ग। और ये है कलर बार का ये वाला क्रेयॉन और मैंने इसमें लिया है शेड जस्ट 007 जेम्स बॉन्ड वाला। इसका कलर इज सो नाइस, मैंने इसको अपने लिप्स पे बिल्कुल डॉट करके लाइट हैंडेड यूज किया है टू एड दैट फ्लश ऑफ कलर एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैव यूज्ड दिस सीमी शाइन लिप ग्लॉस नो शो न्यूड, ये इसका वेरियंट है एंड इट्स फ्रॉम रेने और इसका कलर ओ माई गॉड यू कैन सी इंस्टेंटली चेंज हो गया मेरा जो लिप गेम था वो। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ न्यूड सो मैंने यहाँ पे एक और लिपस्टिक ली है एंड दिस इज क्या है ये, सो ये है लैक्मे कुशन मैट लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड CPF, इट्स अ ब्यूटिफुल कूल टोन्ड ब्राउन, अच्छा लगने वाला है लिप लाइनर वगैरह के साथ में अगर आप वेयर करते हो तो, फेयर स्किन टोन पे ये बहुत ज्यादा झकास लगने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। लास्टली मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यूज किया है माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर फ्रॉम पैक। दिस इज वन सच ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स ने कभी भी मुझे इतना गंदा डिसअपॉइंट कभी नहीं किया, दे हैव बीन इधर एवरेज और जस्ट टू गुड फ्रॉम देयर फाउंडेशन टू कंसीलर टू देयर ब्रशेज, ओ माई गॉड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो आप डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए एंड दिस इज सो फाइन, इतना अच्छा लगता है, ना ऑयली लगता है ना वेट करता है फेस को, बस अपना जो इसका काम है ना वो कर देता है। सो फाइन, इतना अच्छा रिच लगता है ना इसका स्प्रे, अमेजिंग, आई मीन लव इट ऑलरेडी। आई कैन नॉट टेल यू
हाउ मच आई लव क्रिएटिंग दिस मेकअप लुक. नॉट ओनली ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत नए थे बट इसमें कुछ ऐसे होली रेल्स भी थे जिनके बिना आई कैन नॉट डू, मतलब मैं फंक्शन ही नहीं कर सकती. तो सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि मस्ट हैव कैटेगरी में आना चाहिए फ्रॉम मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर. बिना फेस वॉश करे मेकअप लगाओगे नहीं, और मेकअप कर लिया है तो फिर बालों को भी सेट करोगे ही, राइट? सो फ्रॉम हेड टू टो मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं. अमेजोन पे एवरी नाउ एंड देन बड़े सेल्स वगैरह चलती रहती हैं, सो वहां से जरूर फायदा उठाना, क्योंकि आपको अपने फर्स्ट ब्यूटी ऑर्डर पे 20% और अप टू 200 रुपीज तक का ऑफ एंड लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये ऑफर जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 400 रुपए तक का ऑफ. कमेंट्स में बताइएगा ये वाला लुक आपको कैसा लगा. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. और ये तो थे मेरे कुछ मस्ट हैव फॉर दिस सीजन. आपकी कुछ लिस्ट अलग है तो वो भी कमेंट्स में मेंशन करिए. और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच. बाय.